Hello everyone, myself Dr. Pooja Chawla, and today I welcome all who are on this platform for the expert talk of Dr. Ujjwal Nautiyal. Dr. Ujjwal Nautiyal is kind enough that she has accepted our invitation. So on behalf of entire ISFCP family, I welcome Dr. Nautiyal. I also welcome Dr. G.D. Gupta, who has just joined us. And the topic of Dr. Ujjwal Nautiyal's talk is extraction process. And Dr. Nautiyal is working as associate professor in Himalayan School of Pharmaceutical Sciences, Swami Rama Himalayan University, Jollygrant. So ma'am is having a rich experience in research and in administration. Dr. Ujjwal Nautiyal has more than 15 years of experience in teaching and research. So without taking much time, I urge Dr. Nautiyal to please start your lecture. Good afternoon, all. Respected Chairman Sir, Mr. Praveen Garg, Director Sir, Dr. Jini Gupta, Vice Principal Sir, Dr. R.K. Nara, and Professor Dr. Pooja Chawla Ma'am, ISF Moga Punjab, and Dr. Ujjwal Nautiyal, Associate Professor, Swami Rama Himalayan University, Jollygrant. Feeling grateful and thankful to all team of ISF Moga for giving me opportunity to deliver a lecture in front of you. My topic is extraction process. This is very important process to take out medicinally active constituents from plant and animal tissues, as well as a selected topic for B.Pharm and Diploma Pharmacy students as per PCI syllabus. Now, I will share my screen. Visible? Yes, ma'am, it's visible. Okay, ma'am. This is extraction. Extraction process है जिसमें हम किसी plant और animal tissues को किसी solvent के साथ treat करते हैं, जिससे कि उस plant और animal tissues में जो active constituents या medicinally active constituents है वो dissolve off हो जाए. तो इसके लिए जो हम solvent use करते हैं generally, उसको extraction की language में menstruum कहा जाता है. और जो inert soluble insoluble material हमारा रह जाता है filter करने के बाद sieve के ऊपर, उसको marc कहा जाता है. और जो filtrate हमें मिलता है उसको हम filtrate को ही extract कहते हैं. simple अगर हम example लेके चले, एक चाय बनाने का, ठीक है, तो जब हम चाय बनाते हैं सबसे पहले हम वाटर लेते हैं, तो यहाँ पर जो वाटर है वो हमारा मेंस्ट्रुअम हो गया. तो जब हम चाय में चाय पत्ती डालते हैं, ठीक है, टी डालते हैं और हम उसको बॉइल करते हैं, तो हम देखते हैं जो टी में हमारी कैफीन है, टैनिंस है, वो हमारे इसमें सॉल्वेंट सिस्टम में आ जाते हैं, वाटर में आ जाते हैं. उसके बाद हम क्या करते हैं, फिल्टर आउट करते हैं. तो सीव से हम फिल्टर करते हैं, तो सीव के ऊपर जो हमारा जो रेसिड्यू रह जाता है उसको मार कहेंगे. जो सॉल्वेंट हमारा कप में आ गया, मींस जो चाय है वो हमारा फिल्टर जो फिल्ट्रेट है उसको हम कहते हैं जिस सॉल्वेंट को, सॉल्वेंट मीन्स वाटर लिया था एक्सट्रैक्ट आउट करने के लिए, इसको मेंस्ट्रुअम कहा जाता है. तो जनरली सबसे पहला सवाल ये आता है कि अगर हम कोई एक्सट्रैक्शन प्रोसेस कर रहे हैं तो हमें सॉल्वेंट कौन सा लेना चाहिए, कैसा लेना चाहिए. तो जो आइडियल प्रॉपर्टीज होती है सॉल्वेंट की, सबसे पहले जो भी हम सॉल्वेंट ले रहे हैं वो हाईली सेलेक्टिव होना चाहिए, मींस जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स हम एक्सट्रैक्ट आउट करना चाहते हैं उसके साथ सॉल्युबल होना चाहिए, नॉन रिएक्टिव होना चाहिए. जो एक्सट्रैक्ट मटेरियल हमारा निकल रहा है, एक्सट्रैक्ट आउट हो रहा है, उसके साथ कोई रिएक्शन नहीं करनी चाहिए. दूसरा, प्राइस उसका लो होना चाहिए, क्योंकि एक्सट्रैक्ट से ही आगे हम किसी फॉर्मुलेशन को डेवलप करते हैं. अगर एक्सट्रैक्शन प्रोसेस ही हमारी क्या होगी, एक्सपेंसिव होगी, तो लास्ट का जो फाइनल प्रोडक्ट होगा वो भी एक्सपेंसिव हो जाता है. तो ये ध्यान में रखना है कि जो भी हम सॉल्वेंट ले रहे हैं वो ज्यादा एक्सपेंसिव ना हो. दूसरा, जो हम सॉल्वेंट ले रहे हैं वो हार्मफुल ना हो मैन के लिए भी और एनवायरमेंट के लिए भी. जनरली जो हम ले रहे हैं सॉल्वेंट वो वोलेटाइल होना चाहिए, मीन्स जब हम हीट से हीटिंग करें तो जो हमारा सॉल्वेंट है इजीली इवेपोरेट हो जाना चाहिए. और इसमें ये कैपेबिलिटी या कैपेसिटी होनी चाहिए कि वो लार्ज नंबर ऑफ जो हमारे मेडिसिनली कॉन्स्टिट्यूएंट्स है उनको सॉल्वेंट आउट करता हूँ, और लेस विस्कोसिटी होनी चाहिए, एज वेल एज इसके साथ एक और चीज है कि इजीली अवेलेबल भी होना चाहिए. तो सबसे पहले अगर हम सॉल्वेंट सिस्टम में चलते हैं तो फर्स्ट थिंग आती है वाटर. तो वाटर एक ऐसा सॉल्वेंट है जो हमारा इजीली अवेलेबल होता है, ज्यादा महंगा भी नहीं होता, चीप होता है, और जो
सॉल्वेंट का काम करता है, प्रोटीन्स के लिए, कल्चिंग एजेंट्स के लिए, गम्स, लाइकोसाइड, एल्कोसाइड, एल्कोलाइड्स, एंजाइम, ऑर्गेनिक एसिड एक्सेट्रा के लिए। तो अगर हमको ये चीज प्रोटीन्स, कलरिंग मैटर्स वगैरह प्लांट या एनिमल टिश्यू से एक्सट्रैक्ट आउट करने हैं तो हम वाटर को एक अच्छे सॉल्वेंट की तरह यूज कर सकते हैं। इसका मेन एडवांटेज ये चीप है, इजिली अवेलेबल है, वाइड सॉल्वेंट एक्शन इसका होता है, नॉन टॉक्सिक भी है और इनफ्लेमेबल नहीं होता। तो और डिसएडवांटेज जो मेन है, जो वाटर है ये सबसे ज्यादा क्या है, मीडिया का काम करता है, किसके लिए, मोल्ड एंड बैक्टीरिया फंगल की ग्रोथ के लिए। इसीलिए जो भी प्रिपरेशन या एक्सट्रैक्ट वाटर के साथ हम प्रिपेयर करते हैं, या तो उनमें प्रिजर्वेटिव ऐड किया जाता है या तो उनको विद इन 12 आवर कंज्यूम कर लिया जाता है। तो जनरली जो भी वाटर के साथ एक्सट्रैक्ट बनाए जाते हैं वो फ्रेशली प्रिपेयर ही किए जाते हैं, अदरवाइज उनको हमको प्रिजर्वेटिव की जरूरत पड़ती है। सेकंड हमारा नेक्स्ट जो इसका सॉरी डिसएडवांटेज जो नेक्स्ट हमारे वाटर का है वो ये है कि जो सबस्टेंसेस हाइड्रोलिसिस हो जाते हैं वाटर के प्रेजेंस में, वो सबस्टेंसेस को हम एक्सट्रैक्शन नहीं कर सकते। दूसरा, अगर हमको कंसेंट्रेटेड फॉर्म में या पाउडर फॉर्म में एक्सट्रैक्ट चाहिए होता है तो हमें इसको हीट करने के लिए लार्ज अमाउंट ऑफ हीट चाहिए होती है और एज वेल एज ये टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस भी हो जाती है। नेक्स्ट है हमारा सॉल्वेंट एल्कोहल। एल्कोहल, एल्कोलाइड, ग्लाइकोसाइड, वोलेटाइल ऑयल्स, रेजिन्स वगैरह सबके लिए गुड सॉल्वेंट का काम करता है। इसकी सबसे मेन एडवांटेज ओवर वाटर यही है कि ये खुद ही एज ए प्रिजर्वेटिव काम करता है, तो मोल्ड और बैक्टीरिया की ग्रोथ इसमें नहीं होती। और जनरली हम एक्सट्रैक्शन प्रोसेस के लिए 20-25% एल्कोहल यूज करते हैं। एल्कोहल न्यूट्रल होता है, कोई अपना साइड इफेक्ट नहीं देता और एक्सट्रैक्ट जो है जब हम इसको एक्स्ट्रैक्ट को इवोपरेट करते हैं तो अपना कोई रेसिड्यू एक्स्ट्रैक्ट में नहीं छोड़ता। डिसएडवांटेज इसकी ये है, ये बहुत ज्यादा कॉस्टली है और इजीली अवेलेबल नहीं। अब डिफरेंट प्रोसेस हैं, इन्फ्यूजन, डिकॉक्शन, मैसिलेशन, फर्कुलेशन, डाइजेशन, बट ये प्रोसेस भी डिपेंड करती है कि आपकी ड्रग किस तरह की है, तो उसी अकॉर्डिंग हम एडॉप्ट करते हैं अपनी एक्सट्रैक्शन प्रोसेस में। तो सबसे पहले जो बाई प्रोसेस आती है वो है इन्फ्यूजन। इन्फ्यूजन इसका मेन एग्जाम्पल आजकल जो हम ग्रीन टी पी रहे हैं। तो इन्फ्यूजन भी हमारा दो तरह का होता है, हॉट इन्फ्यूजन एंड कोल्ड इन्फ्यूजन। तो इसमें क्या है, इसमें हम किसी भी पॉट में अपनी फ्लू ड्रग को लेते हैं। जनरली इसमें वो ड्रग्स ली जाती हैं जो क्या है, सॉफ्ट होती हैं और हर्ब्स होती है, जिनका जो स्टेम भी होता है बहुत सॉफ्ट होता है और इससे केमिकल मॉइस्चराइजेंट्स को एक्सट्रैक्ट आउट करना बहुत ईजी होता है। तो अगर हम हॉट एक्सट्रैक्शन की बात करें तो हम ग्रीन टी का एग्जाम्पल ले सकते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, ग्रीन टी की लीव्स को एक पॉट में लेते हैं और हम जो बॉइल्ड वाटर है इसमें हम बॉइल्ड वाटर से इसको फिल कर देते हैं। 10-15 मिनट हम इसको स्टीप आउट करते हैं और बाद में फिल्टर करके जो फिल्ट्रेट हमारा एक्सट्रैक्ट आता है उसको हम कंज्यूम कर लेते हैं। सेम ऐसी अगर हम कोल्ड की बात करें तो वहां पर हमारा जो मेंस्ट्रुअल यूज होगा वो कोल्ड होगा, वो हॉट नहीं होगा। और इसमें जो जनरली जो मार्क आता है वो प्रेस नहीं किया जाता और वॉल्यूम को लास्ट में एडजस्ट नहीं किया जाता। ये प्रोसेस है, इट कंसिस्ट ऑफ देखो कोरिंग वाटर ओवर द ड्रग, ड्रग के ऊपर वाटर को कोर किया जाता है। 10-15 मिनट्स वाटर के कॉन्टेक्ट में रखा जाता है ड्रग्स को, फिर बीच में ऑक्सीजन चेकिंग करने की जाती है, अदरवाइज फिल्टर करके जो लिक्विड हमें मिलता है उस एक्सट्रैक्ट को यूज कर लिया जाता है। जनरली ये फ्रेशली प्रिपेयर होते हैं, 12 आवर्स के अंदर अंदर कंज्यूम कर लिए जाते हैं। तो देखिए अब नेक्स्ट है, टू टाइप्स के इन्फ्यूजन है, फ्रेश इन्फ्यूजन और कंसंट्रेटेड इन्फ्यूजन। तो फ्रेश इन्फ्यूजन वो इन्फ्यूजन होते हैं जहां पर हम मैनेस्टर के प्लेस में वाटर को यूज करते हैं। तो फ्रेशली प्रिपेयर्ड, ये फ्रेश इन्फ्यूजन इनका नाम इसीलिए दिया गया है तो फ्रेशली प्रिपेयर किया जाता है, क्योंकि हम जो मैनेस्टर के लिए सॉल्वेंट वाटर को ले रहे हैं और पहले बताया गया वाटर इज अ गुड मीडियम फॉर द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया एंड फंगल, तो इसीलिए हमें ये वाले प्रिपरेशन विदिन 12 आवर्स के अंदर अंदर कंज्यूम करने पड़ते हैं। अगर दोबारा से हमें ये इन्फ्यूजन चाहिए तो हम उनको फ्रेशली प्रिपेयर करते हैं, तो ये फ्रेश इन्फ्यूजन कहलाते हैं। नेक्स्ट है कंसंट्रेटेड इन्फ्यूजन। इसमें एज ए मैनिस्टर 20-25% एल्कोहल यूज होता है और ये इन्फ्यूजन फ्रेश इन्फ्यूजन के कंपेरिजन में 8 टाइम स्ट्रॉन्गर होता है। तो और इसमें प्रिजर्वेटिव की हमें कोई जरूरत नहीं होती क्योंकि ऑलरेडी 20-25% एल्कोहल इसमें यूज हुआ है, तो ये वाले इन्फ्यूजन क्या है लॉन्ग रन के लिए स्टोर किए जा सकते हैं। नेक्स्ट है डिकॉक्शन।
अगर हमारी ड्रग हार्ड है, वुडी है, और अगर सिंपल हम उसमें बॉइल्ड वाटर या कोल्ड वाटर डालने के बाद जो हमारा मेनिस्टम वाटर या मेनिस्टम जो भी है वो अंदर पेनिट्रेट नहीं हो पा रहा है, तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, जो हमारी हार्ड और वुडी ड्रग है उसको साइड इंजेक्शन करते हैं एक पॉट में मेनिस्टम, जनरली वो वाटर ही होगा। 10 to 15 मिनट तक ड्रग को वाटर के साथ बॉइल किया जाता है। जब जो हमारा मेनिस्ट्रम है वो हीट होता है, और हीट क्या करता है, हीटिंग जो हमारा हीटेड जो एक्सट्रैक्ट है वो इंड्यूस करता है पेनिट्रेशन को, जिससे कि वो हार्ड और वुडी ड्रग के अंदर जाके एक्सट्रैक्ट आउट करे मेडिसिनली केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स को। तो इसका मेन एग्जांपल जो अगर हम जनरली देखें तो घर में जो हम अजवाइन पानी, जीरा पानी बनाते हैं या सिनेमन वाटर बनाते हैं तो उसमें यूज होता है। उसमें हम क्या करते हैं, एक पॉट में सिनेमन वाटर, सिनेमन की स्टिक्स ले ली या अजवाइन ले लिया, हार्ड है आप देख ही सकते हैं, और उसमें हम क्या डालते हैं, वाटर लेते हैं और उसको 10 to 15 मिनट बॉइल करते हैं। बॉइल करने के बाद हम फिल्टर करके उसको कंज्यूम कर देते हैं। सेम यहाँ पर भी जो वॉल्यूम है लास्ट में एडजस्ट नहीं किया जाता और मार्क को भी प्रेस नहीं किया जाता। नेक्स्ट है डाइजेशन प्रोसेस। अभी सिंपली हार्ड बॉडी ड्रग का एग्जाम्पल था डिकॉक्शन में, बट हमारी ड्रग अगर बहुत हार्ड है ठीक है, और बॉइलिंग के बाद भी पूरे केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स उस वुडी ड्रग से एक्सट्रैक्ट आउट नहीं हो पाते, तो उस कंडीशन में अगर हमारी ड्रग क्या है, नॉन थर्मल मटेरियल है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, जो ड्रग है ड्रग को हीट के साथ साथ प्रेशर भी हम अप्लाई करते हैं। प्रेशर भी अप्लाई करेंगे तो सॉल्वेंट को क्या है, हीटेड सॉल्वेंट प्रेशर अप्लाई होने के कारण जो उसकी पेनेट्रेशन पावर है वो इंक्रीज हो जाती है। तो जैसे हमारा इसका एग्जांपल है, इसको डाइजेस्टर होता है इसमें यूज, सेम ऐसा ही होता है जैसे प्रेशर कुकर होता है, उसको इसमें डाइजेस्टर में ड्रग को डाला जाता है, उसके साथ मेनिस्ट्रम लिया जाता है, हीट इंड्यूस की जाती है और उसी समय क्या है प्रेशर भी मेंटेन किया जाता है, जिससे कि हीट के साथ साथ जब प्रेशर अप्लाई होता है तो जो हीटेड सॉल्वेंट है वो इजिली ड्रग के अंदर पेनिट्रेट होके आपको एक्सट्रैक्ट सॉल्वेंट आउट कर देता है, एक्सट्रैक्ट को सॉल्वेंट आउट कर देता है। नेक्स्ट है मैसेजेशन प्रोसेस। मैसेजेशन प्रोसेस थ्री टाइप्स की होती है, वो भी प्रोसेस पे डिपेंड करती है ठीक है। सिंपल मैसेजेशन, मैसेजेशन विद एडजस्टमेंट एंड डबल मैसेजेशन एंड ट्रिपल मैसेजेशन। सिंपल मैसेजेशन ऑर्गेनाइज्ड ड्रग के लिए, ऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स वो ड्रग्स होती है जिनका अपना एक स्ट्रक्चर होता है, लाइक रूट्स हो गई, स्टेम्स हो गई, लीव्स हो गई ठीक है, तो जिनका अपना एक स्ट्रक्चर है उन ड्रग्स से एक्सट्रैक्शन करना, मैसेजेशन करना सिंपल मैसेजेशन कहलाएगा। अगर ड्रग अनऑर्गेनाइज है, अनऑर्गेनाइज मीन्स उनका कोई अपना स्ट्रक्चर नहीं होता, ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर नहीं होता, जैसे प्लांट से मिलने वाले रेजिन एंजाइम्स, तो उनके लिए जो मैसेलेशन प्रोसेस यूज की जाती है वो है मैसेलेशन विद एडजस्टमेंट। और अगर हमें जो एक्सट्रैक्ट है वो कंसंट्रेटेड फॉर्म में चाहिए तो हम डबल मैसेलेशन या ट्रिपल मैसेलेशन में चलते हैं। तो ये मैसेलेशन प्रोसेस है, इसमें सबसे पहले जो भी हमारा प्लांट मटेरियल होगा हम उसको क्रश करेंगे, पोरस पाउडर में हम उसको यूज करेंगे, और इस ड्रग को प्लांट मटेरियल को एक वेसल में रखते हैं जो जिसके ऊपर लिड भी होगी। अभी पहले हम वेसल में रखेंगे, वेसल में हम अपना सॉल्वेंट जो मेनिस्ट्रम है वो ऐड करते हैं, और इस वेसल को लिड को क्लोज करके 7 to 7 days के लिए रखते हैं। रखने के बाद बीच बीच में ऑब्वियसली शेकिंग अगर करना चाहो तो कर सकते हैं ठीक है। फिर उसके बाद 7 days के बाद इस लिक्विड को स्ट्रेन आउट कर दिया जाता है, और जो मार्क ऊपर हमारी सीव में आता है उसको प्रेस कर दिया जाता है। जो प्रेस करने के बाद भी जो मिक्सचर आया उनको हम पहले जो हमारा लिक्विड स्ट्रेन हुआ था उसके साथ मिक्स कर देते हैं। अगर हमें कंसंट्रेटेड फॉर्म में चाहिए तो हम इवोपरेट करते हैं, अदरवाइज हम इसको ऐसे ही यूज कर सकते हैं। सिंपल मैसेलेशन की प्रोसेस अभी यही मैं चार्ट के थ्रू आपको समझा चुके हूँ। नेक्स्ट है मैसेलेशन भी एडजस्टमेंट। अनऑर्गेनाइज ड्रग के लिए होता है, इसमें क्या है, जो हमारा मेनिस्ट्रम है स्टार्टिंग में ही पूरा मेनिस्ट्रम हम यूज नहीं करते, प्रोसेस सेम चलेगी, बट क्या है मेनिस्ट्रम का हम 4/5 जो पार्ट है वो हम लेते हैं, सेम ड्रग को हम वेसल में रखेंगे, 4/5 पार्ट जो हमारा मेनिस्ट्रम का है उसको हम ड्रग में डालेंगे, वेसल क्लोज करेंगे, 2 to 7 days तक रखेंगे, शेकिंग ऑब्वियसली होगी। 7 days के बाद हम लिक्विड को फिल्टर करेंगे, फिल्टर करने के बाद लास्ट में जो हमारा 1/5 वॉल्यूम मेनिस्ट्रम का बना है उससे वॉल्यूम को एडजस्ट कर देते हैं, मार्क को प्रेस नहीं किया जाता। का यूज होता है, मार्क को प्रेस किया जाता है,
वॉल्यूम एडजस्ट नहीं होता। अनऑर्गेनाइज ड्रग के लिए 4/5 मेनिस्ट्रम स्टार्टिंग में यूज होता है, मार्क प्रेस नहीं किया जाता, वॉल्यूम एडजस्ट होता है। तो मार्क प्रेस यहाँ पर क्यों किया जा रहा है ऑर्गेनाइज में, क्योंकि ये माना जाता है कि पूरा का पूरा अमाउंट जो हमारा एक्सट्रैक्ट का है वो हमारा मेनिस्ट्रम में नहीं आया होता, कुछ अमाउंट हमारा ड्रग के साथ इम्बाइब होके रह जाता, तो उसको प्रेस करने से जो बचा हुआ हमारा मेनिस्ट्रम है, जो बचा हुआ हमारा एक्सट्रैक्ट है वो हमें मिल जाता है। बट अनऑर्गेनाइज के केस में ऐसा नहीं होता, क्योंकि इनका अपना कोई स्ट्रक्चर है ही नहीं, तो यहाँ पर मार्क प्रेस नहीं किया जाता। मल्टीपल मैसेजेशन नेम से इंडिकेट हो रहा है, जैसे मैंने पहले बताया, ऐसा सोचा जाता है जैसे हमने एक बार ड्रग को मैसिलेट किया, एक बार ड्रग को सॉल्वेंट सिस्टम के साथ रखा और उसके बाद मैसिलेशन करने के बाद हमें एक्सट्रैक्ट मिल गया, तो ये समझा जाता है जो ड्रग हमारी जो मार्क हम जिसको बोल रहे हैं उसमें अभी भी कुछ समय तक केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स रहते हैं, वो एक ही बारी में वो एक्सट्रैक्ट आउट नहीं होते, तो उसके लिए ऐसा सोचा जाता है कि दोबारा मार्क को हम क्या करें, मैनेस्ट्रम से मैनेस्ट्रम के साथ 2-7 days रखें और दोबारा से हम उसको एक्सट्रैक्ट आउट करें। तो उसी में अगर हम प्रोसेस डबल बार करते हैं तो उसको डबल मैसिलेशन है, अगर ट्रिपल बार करते हैं तो ट्रिपल मैसिलेशन है। तो डबल मैसिलेशन में जो मेनिस्ट्रम है उसके अमाउंट को हम इक्वली 2 volume में बांट देते हैं। डबल मैसिलेशन में क्या है, 2 volume में बांट दिया, स्टार्ट होगा वही सेम, एक पूरी ड्रग लेनी है, वेसल में डालना है, जो हाफ अमाउंट हमने लिया था मेनिस्ट्रम का उसको एड करना है, लेट लगा के 2-7 days रखते हैं। 2-7 days रखने के बाद हम 7 days के बाद इसको फिल्टर करके साइड रख देंगे, तो हमने एक फर्स्ट फिल्ट्रेट आ गया, फर्स्ट एक्सट्रैक्ट आ गया। अब जो हमारा आधा वॉल्यूम और मेनिस्ट्रम का है, फिर जो मार्क बचा है उसको फिर से वेसल में डालना है, उसी में उस मेनिस्ट्रम को ऐड करना है जो हाफ वॉल्यूम है, 2-7 days रखना है और 2-7 days के बाद फिल्टर कर देना, फिर जो दोनों एक्सट्रैक्ट आए हैं 1 और 2 दोनों को मिक्स करके हमें एक्सट्रैक्ट मिल जाता है। सेम ऐसे ट्रिपल में 3 parts में डिवाइड करके 3 बार मेसिलेशन प्रोसेस चलाई जाती है। नाउ पर्कोलेशन प्रोसेस में भी एक एक्सट्रैक्शन प्रोसेस है। जनरली जो एक्सपेंसिव हमारी ड्रग्स होती है या आप जो वोलेटाइल ड्रग्स होती है, ठीक है, उन ड्रग्स को पर्कोलेशन के थ्रू एक्सट्रैक्ट आउट किया जाता है। पर्कोलेशन 3 types के होते हैं, सिंपल पर्कोलेशन, पर्कोलेशन प्रोसेस फॉर कंसंट्रेटेड फिल्ट्रेशन एंड कंटिन्यूअस हॉट पर्कोलेशन सॉक्सोलेशन। सबसे पहले आ जाइए सिंपल पर्कोलेशन प्रोसेस, इसमें जो एपरेटस यूज होते हैं सिंपल पर्कोलेशन प्रोसेस में उनको हम पर्कोलेटर्स कहते हैं। तो पर्कोलेटर्स 3 types के होते हैं, गोलिकल पर्कोलेटर, सिलेंडर पर्कोलेटर एंड स्टीम जैकेट पर्कोलेटर। गोलिकल पर्कोलेटर नेम से इंडिकेट हो रहा है, कॉनिकल शेप के होंगे, ठीक है, मेटल के, ग्लास की या कॉपर के बने होते हैं। इनकी जो जनरली अपर डायामीटर होती है उसके कंपैरिजन में जो इनकी लोअर डायामीटर होती है वो बिल्कुल यूज किए जाते हैं। नेक्स्ट है सिलेंड्रिकल पर्कोलेटर, नेम से इंडिकेट है, दोनों इसकी अपर डायमीटर और लोअर डायमीटर दोनों की दोनों सेम होंगी, ये सिलेंड्रिकल शेप के होते हैं और इनमें क्या है, जो वोलेटाइल हमारे जो सॉल्वेंट होते हैं उन एज ए मेनिस्ट्रम यूज किए जाते हैं और उन ड्रग्स के लिए ये बहुत अच्छा माना जाता है। नेक्स्ट है स्टीम जैकेट पर्कोलेटर, स्टीम जैकेट इसमें क्या है, पर्कोलेटर के बाहर एक जैकेट होती है जिसके बीच से क्या है स्टीम को रन कराया जाता है या सर्कुलेट कराया जाता है, जिससे कि क्या है जो मेनिस्ट्रम अंदर ड्रग के साथ है वो हीट लेता है, ठीक है, और जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होता है जो सॉल्वेंट एक्शन होता है मेनिस्ट्रम का वो भी इंक्रीज होता जाता है और इजीली जो ड्रग है वो एक्सट्रैक्ट आउट हो जाती है। अब इसमें कुछ प्रोसेस होती है जब हम पर्कोलेशन करते हैं, पर्कोलेशन का प्रोसेस होती है, सबसे पहले हम जो ड्रग होगी हम उसका साइज रिडक्शन करते हैं, साइज को छोटे छोटे पार्टिकल्स में रिड्यूस करते हैं जिससे कि क्या है पर्कोलेटर को हम इजिली पैक कर सकें। नेक्स्ट आता है इम्बाइबेशन, इम्बाइबेशन प्रोसेस में जब हम पाउडर ड्रग लेते हैं उसको सफिशियंट क्वांटिटी ऑफ मेनिस्ट्रम के साथ 4 hours के लिए हम क्या करते हैं अलाउ करते हैं उसके उसमें डीप रखते हैं। ऐसे में क्या होती है जो हमारी ड्रग होती है वो स्वेल हो जाती है और जो स्वेल हो जाएगी तो हम पर्कोलेटर को इजिली पैक कर सकते हैं, ठीक है। फिर सेम जैसे मैसिलेशन प्रोसेस है वो चलती है 12 hours के लिए और पर्कोलेशन में आगे पर्कोलेटर, ये है हमारा पर्कोलेटर, ठीक है, ये कॉनिकल शेप का पर्कोलेटर हो गया, इसमें ऊपर लेड लगी है, नीचे आपका ये टैब रहता है जो कि जब काइटलिन होता है जब हम एक्सट्रैक्ट को हम निकालेंगे तो यही से बोल पड़ेगा।
तो सबसे पहले इसमें क्या होता है, जो सबसे नीचे वाली लेयर में कॉनिकल पार्ट में देखेंगे, ग्लास वूल की हम एक लेयर रखते हैं। अब जो ड्रग हमने इम्बाइब की थी 4 आवर्स के लिए जो मैनेस्टम के साथ रखी थी, वो यहाँ पर हम पैक करते हैं। अब देखो, अब पता चल, इसी से पता चल जाता है इम्बाइबेशन क्यों किया जाता है। अगर हम इम्बाइबेशन ना करें, ड्रग को स्वेल ना करें, बस ऐसे ही कोरस पाउडर या फूड ड्रग को डाल दें, तो क्या होगा, जैसे ही ऊपर से हम मैनेस्ट्रम डालेंगे तो सीधे सीधे मैनेस्ट्रम आपका टैप से बाहर आ जाएगा, मीन्स एक्सट्रैक्शन प्रोसेस रहेगी। ठीक है, तो इम्बाइब किया जाता है जिससे कि जो ड्रग स्वेल हो जाए और इजिली पैक हो सके। पैकिंग में भी ध्यान रखना है, बहुत ज्यादा टाइटली पैक नहीं करना है और बहुत ज्यादा लूज भी पैक नहीं करना है। टाइट पैक करोगे तो मैनेस्ट्रा पूरे जो आपकी ड्रग है उनके साथ कॉन्टेक्ट में नहीं आ पाएगा। अगर लूज पैक करोगे तो भी नहीं आ पाएगा, क्योंकि सीधे के सीधे नीचे से ड्रेन आउट हो जाएगी। सिंपल, इसमें सबसे पहले पॉपुलेटर में ग्लास में रखते हैं, फिर इम्बाइब रखते हैं, उसके ऊपर एक फिल्टर पेपर रखा जाता है और उसके ऊपर वाश सैंड रखी जाती है। अब ऊपर से क्या है, जो मैनेस्ट्रम की जो स्पेसिफिक क्वांटिटी है वो डाल के ऊपर से लिड लगा दी जाती है। अब तब तक हम इस टैप को नीचे जो ओपन रखते हैं, जब तक कि ऊपर के मैनेस्ट्रम की एक भी ड्रॉप नीचे ना आने शुरू हो जाए। जैसे ही ड्रॉप नीचे आने लगी, ये समझ लिया जाता है कि मैनेस्ट्रम हमारी ड्रग वाले कंपार्टमेंट में पहुंच चुका है। अब उसके बाद हम इस टैप को बंद कर देते हैं। टैप को बंद करने के बाद अब हमारी पैसिवेशन प्रोसेस शुरू होती है। मैसिलेशन में क्या होगी, मैसिलेशन में ये ड्रग को हम 12 आवर के लिए कॉन्टेक्ट में रखते हैं मैनेस्ट्रम के लिए। आफ्टर 12 आवर हम यहाँ से ये टैब है उसको ओपन करते हैं और अपना जो एक्सट्रैक्ट है उसको कलेक्ट कर लेते हैं। एक्सट्रैक्ट को कलेक्ट करना ही क्या होगी, पर्कुलेशन प्रोसेस कहलाती है। अब पर्कुलेशन सेकेंड है वो सिंपल पर्कुलेशन था, अब पर्कुलेशन प्रोसेस फॉर कंसंट्रेटेड प्रिपरेशन। कंसंट्रेटेड प्रिपरेशन बनाने के लिए दो तरह के प्रोसेस हम यूज करते हैं, एक है रिजर्व पर्कुलेशन, दूसरी है मॉडिफाइड पर्कुलेशन। सिंपल है, सिंपल पर्कुलेशन आपको ड्रग को इन्वाइट किया, मैसिलेशन किया, पर्कुलेशन कलेक्ट कर लिया। मॉडिफाइड में क्या होगा, सेम जैसे हमने वहां पर मैसिलेशन वाली प्रोसेस रिपीट की थी, यहाँ पर भी मैसिलेशन रिपीट किया जाता है। ड्रग लेनी है, ड्रग को पर्कुलेटर में इन्वाइट करना है, सेम वही फिल्टर पेपर सैंड और मैनेस्ट्रम डाल के मैसिलेशन 24 आवर्स करना है। 24 आवर्स के बाद हमने क्या है, अपना जो एक्सट्रैक्ट है निकाल लेना है, फिर दोबारा से इसको रिपीट करना, दोबारा से उसमें क्या है मैनेस्ट्रम डालना है। फिर ये प्रोसेस आपकी मल्टीपल टाइम्स करोगे तो उसको कहते हैं कंसंट्रेटेड फॉर्म जो होती है एक्सट्रैक्ट की, हमें मिल जाती है। रिजर्व पॉपुलेशन, रिजर्व पॉपुलेशन में हम क्या करते हैं, कंसंट्रेटेड फॉर्म हमें एक्सट्रैक्ट मिल जाए, जो एक्सट्रैक्ट हमें मिला है उसके लिए हम क्या करते हैं, हीटिंग के साथ साथ उसको उस एक्सट्रैक्ट को रिड्यूस प्रेशर के साथ हीट करते हैं। जब हम उसको रिड्यूस प्रेशर के साथ हीट करते हैं तो हमें क्या है, जो हमारा एक्सट्रैक्ट है कंसंट्रेटेड फॉर्म में मिल जाता है। मॉडिफाइड पॉपुलेशन की प्रोसेस भी सिंपल तो सिंपल पहले ही बता दी गई कि मॉडिफाइड पॉपुलेशन की प्रोसेस है, ड्रग ली है उसको इम्बाइब किया 4 आवर्स के लिए, मैसिलेशन 24 आवर्स के लिए, पॉपुलेशन जो कलेक्ट कर लिया गया, उसके बाद दोबारा से इसमें क्या डालते हैं, मैनेस्ट्रम डालते हैं, मैसिलेशन करते हैं, फिर से 12 आवर्स के लिए फिर पॉपुलेट कलेक्ट कर दिया जाता है। फिर जो मैसेज जो आपका पॉपुलेटर है उसमें फिर से मैनेस्ट्रम डाल के 12 आवर्स में मैसिलेशन करते हैं, ये मल्टीपल मैसिलेशन कहलाता है। पर्कुलेशन में ही हॉट पर्कुलेशन प्रोसेस, अभी जो हम पर्कुलेशन कर रहे थे तो उसमें क्या है, कुल ड्रग्स मेरे था जो ज्यादा क्या है, जो ड्रग हीट सेंसिटिव हो सकती थी और जो एक्सपेंसिव थी। अब अगर हमारी ड्रग हीट सेंसिटिव भी है, वोलेटाइल भी है और उसके साथ साथ क्या है एक्सपेंसिव भी है और हीट को विदस्टैंड कर सकती है, तो उसके लिए सॉक्सलेट एक्सट्रैक्शन यूज किया जाता है। सॉक्सलेट एपरेटस इसमें होता है, सबसे पहला नीचे एक फ्लास्क होता है जिसको स्टील भी कहते हैं, वो उससे जुड़ा होता है सॉक्सलेट एक्सट्रैक्टर, फिर एक कंडेंसर से जुड़ा होता है। फ्लास्क है, फ्लास्क में हम क्या लेते हैं, मैनेस्ट्रम लेंगे, सॉक्सलेट एक्सट्रैक्टर होगा जिसमें सिफॉन हुड भी जुड़ी होती है, इसी में हम अपना थिंबल रखते हैं मैडम डायग्राम से समझूंगी, और एक कंडेंसर इससे जुड़ा होता है स्टीम को कंडेंस करने के लिए। ये आ जाइए सबसे नीचे देखेंगे फ्लास्क, ठीक है, फ्लास्क में या स्टील बोलते हैं इसको, हम मैनेस्ट्रम लेते हैं। इस फ्लास्क को हम किसके साथ अटैच कर दिया जाता है, ये एक्सट्रैक्टर ट्यूब है, एक्सट्रैक्टर ट्यूब के साथ अटैच कर दिया जाता है। इसी एक्सट्रैक्टर ट्यूब में साइड में एक
साइड स्टीम ट्यूब भी होती है, ठीक है, गैस्ट्रो डिस्ट्रीब्यूशन पाथ भी होते हैं, तो स्टीम ट्यूब अटैच होती है और एक साइड से ये सिफोन ट्यूब से अटैच होती है, ठीक है, और जो इसका अपर पार्ट होता है वो कंडेंसर से गैस हो जाता है। अब इसकी प्रोसेस जो है, सबसे पहले स्टील में सबसे पहले हम किम्बल बनाएंगे, जो हमारी ड्रग होगी, ड्रग को हम फिल्टर पेपर में को सबसे पहले मैनिस्टर से वेट करते हैं, ड्रग को हम फिल्टर पेपर जो वेट फिल्टर पेपर है उससे हम उसके अंदर हम फोल्ड करते हैं, उसको हम किम्बल कहते हैं, और इसको बीच जो एक्सट्रक्शन ट्यूब है जहाँ पर ब्राउन सा पार्ट दिखता है वहां पर रख दिया जाता है। यहाँ पे रखने के बाद ये पूरा एपरेटस असेंबल कर लिया जाता है। अब इसके बाद जो स्टील है, स्टील में मैनेस्ट्रॉन लेते हैं, मैनेस्ट्रॉन को हीट किया जाता है, जैसे जैसे हम हीट बढ़ाते हैं तो मैनेस्ट्रॉन अपना क्या है, स्टीम में कन्वर्ट होता है। स्टीम में कन्वर्ट होने के बाद जो साइड ट्यूब है जहाँ पर डिस्टिलेशन पाथ लिखा है उस साइड ट्यूब से होते हुए ये स्टीम ऊपर कंडेंसर में पहुंचते हैं। कंडेंसर में पहुंचते ही ये स्टीम क्या है, हॉट लिक्विड में कन्वर्ट होके आपकी किम्बल के ऊपर गिरती है। ऐसे ही ये प्रोसेस जब चलती रहती है, एक टाइम में ऐसा होता है जो आपका किम्बल जो है पूरी तरह से आपके मैनस्ट्रम से क्या हो जाता है, टिप हो जाता है, और यहाँ पर जो एक्सट्रैक्ट है वो मैनस्ट्रम के साथ रिलीज होने लगता है, ठीक है। और जब ये एक्सट्रक्शन ट्यूब फुल होने लगती है, यहीं से सिफॉन ट्यूब साइड में जुड़ी है, सिफॉन देखिए नीचे से साइड से जुड़ी है, जैसे जैसे लिक्विड का लेवल हायर होता जाता है ये लिक्विड पूरा एक्सट्रैक्ट ऊपर जाते हुए दोबारा से कहाँ पर घुस जाता है, मैनेस्ट्रॉन की स्टीम। तो एक तरह से ये पैक्ड प्रोसेस है और कंटिन्यूअसली चलती रहती है, और ये तब तक चलाते रहना है जब तक कि हमें ऐसा ना लगने लगे कि सिफोन ट्यूब से जो लिक्विड आ रहा है टोटली एक्सट्रैक्ट फ्री है, मीन्स उसका अगर कलर जो है वो मैनेस्ट्रॉन के कलर का साफ आ रहा है, तो मीन्स हम समझते हैं कि अब पूरा एक्सट्रक्शन प्रोसेस हो चुकी है। तो ये सॉफ्टवेयर एपरेटस होता है, ठीक है। अब कुछ लिमिटेशंस होती है कंटिन्यूस हॉट प्रोपल्शन प्रोसेस पे। सबसे पहले फिजिकल करेक्टरिस्टिक ऑफ ड्रग, हमको ये देखना है कि जो भी हम ड्रग ले रहे हैं उस तरह की ना हो जो हमारा सॉफ्ट एपरेटस है या जो एक्सट्रक्शन यूनिट है उसको ब्लॉक करे, ठीक है, जैसे गम्स, रेजिंस, ऑरेंज पील, गोटियां वगैरह इसमें यूज नहीं की जाती। नेक्स्ट है सॉल्वेंट, जो भी हमने सॉल्वेंट सिस्टम में यूज करना है वो सॉल्वेंट हमारा बिल्कुल प्योर होना चाहिए। नेक्स्ट है केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ ड्रग्स, हम क्या है जो ड्रग जैसे हम एल्कलाइड्स, एंजाइम्स वगैरह इस मेथड से नहीं एक्सट्रैक्ट किए जाते, वो हम इस मेथड को उसमें यूज नहीं करते। नेक्स्ट है फैक्टर अफेक्टिंग चॉइस ऑफ एक्सट्रक्शन प्रोसेस, अब इतनी एक्सट्रक्शन प्रोसेस हमने पढ़ी, अभी तो लेसन 5 ही पढ़ी, ठीक है, तो 5 एक्सट्रक्शन प्रोसेस में अब ये भी आता है सवाल कि भाई यूज कौन सी करें, कौन सी एक्सट्रक्शन प्रोसेस को हम आगे लेके चल सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि आपकी ड्रग कैसी है, ठीक है, उसकी कॉस्ट क्या है, स्टेबिलिटी क्या है, आपको किस तरह का प्रोडक्ट आगे चाहिए, इस पर डिपेंड करता है आपका एक्सट्रैक्शन प्रोसेस को चूज करना। तो ये फैक्टर्स हैं जो एक्सट्रैक्शन प्रोसेस को चूज करने के लिए अफेक्ट करते हैं या चूज करने के लिए यूज किए जाते हैं। सबसे पहला है करेक्टर ऑफ ड्रग, आपने सबसे पहले ये देखना है अगर हमारी ड्रग सॉफ्ट है तो उसके लिए तो सबसे इन्फ्यूजन हो सकता है, अगर आपने फ्रेशली प्रिपेयर्ड यूज करना है तो इन्फ्यूजन में जा सकते हैं, डिकॉक्शन में जा सकते हैं, ठीक है, डाइजेशन में जा सकते हैं, और अगर आपको क्या है लॉन्ग रन के लिए चलना है तो मैसिनेशन प्रोसेस से हम कर सकते हैं। बट अगर हमारी हार्ड और रूडी ड्रग है तो हम जाएंगे डाइजेशन में या हम हॉट और ब्यूशन प्रोसेस में जाते हैं। नेक्स्ट थेरेप्यूटिक वैल्यू, अगर हमारी ड्रग की थेरेप्यूटिक वैल्यू हाई है तो हम अच्छी प्रोसेस में इस पर्पोलेशन से चलेंगे, बट अगर हमारी थेरेपेटिक वैल्यू ड्रग की ज्यादा नहीं है तो हम डाइजेशन से भी चल सकते हैं और मैसेजेशन प्रोसेस से भी चल सकते हैं। अब कॉस्ट, अगर कॉस्टली है ड्रग पर्पोलेशन प्रोसेस से चलेंगे, अगर चीप है ड्रग तो मैसेजेशन प्रोसेस से या इन्फ्यूजन प्रोसेस से हम कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट है स्टेबिलिटी ऑफ ड्रग, अगर हमारी ड्रग थर्मोलेबल है तो मैसेजेशन पर्पोलेशन सिंपल पर्पोलेशन, ठीक है, हॉट पॉपुलेशन यूज नहीं होगा, बट अगर हमारी थर्मो स्टेबल है तो हम हॉट पॉपुलेशन से जा सकते हैं या हम डाइजेशन डिकॉक्शन को यूज कर सकते हैं। अब सॉल्वेंट है, अगर वाटर एज ए सॉल्वेंट यूज करना है तो हम मैसोलेशन के लिए चलेंगे, और अगर हमें नॉन एक्वस सॉल्वेंट यूज करना है तो पॉपुलेशन प्रोसेस को एडॉप्ट किया जाता है। दिस इज ऑल अबाउट द एक्सट्रैक्शन प्रोसेस। अब नेक्स्ट है कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट,
हमें किस तरह का प्रोडक्ट चाहिए, अगर हमें टिंचर वगैरह चाहिए तो मैसिलेशन कॉर्पोरेशन से जाएंगे, बट अगर हमें ज्यादा कंसंट्रेटेड एक्सट्रैक्ट चाहिए तो हम डबल मैसिलेशन, ट्रिपल मैसिलेशन या रिवर्स वास्कुलेशन की तरफ चलें। ठीक है, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच डॉक्टर उज्जवल। मैंने थैंक यू। बहुत सालों के बाद आज एक्सट्रैक्शन के बारे में इतनी डिटेल स्टडी करी है, क्योंकि मैम अगर कोग्नोसी हो, नेचुरल प्रोडक्ट हो, तो वो तो पढ़ते रहते हो, इन टच रहते लगातार, बट बीइंग अ फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री पर्सन मुझे लिटरली आई हैव एंजॉयड अ लॉट दिस लेक्चर एंड आई एम क्वाइट होपफुल दैट हूसोएवर द ऑडियंस इज द स्टूडेंट्स ऑफ मे बी फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर और एम फार्म और बी फार्म और डिप्लोमा they will definitely get benefited from this lecture. So once again, on behalf of entire ISFCP family, I would like to thank Dr. Ujjwal Nautiyal for sparing her precious time to me, because it was so short notice that ma'am was kind enough to accept my invitation. Thank you so much, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you. Thank you.